घुमाते हैं। पूरी पुरानी जाए देखेंगे दोस्तों। आज हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए आज बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन का इंतज़ार हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा था। ये आज अहम दिन, ना जाने कौन सा अल्लाह वाला इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, जो दुनिया में ज़िंदा है वो भी दुआ कर रहे थे, और जो दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी दुआओं के बदौलत आज ये दिन देखना हम सबको नसीब हुआ। हिंदुस्तान की ये शाही मस्जिद इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाएगी कि जिस मस्जिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम के साथ रखा गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये बाबरकत नाम इस हिंदुस्तान में मोहब्बतें लाएगा, नफ़रतें दूर होगी। दो समाज के अंदर एक दूरियां थी वो नज़दीकियां में आएगी। ये बाबरकत नाम की इतनी फजीलत है कि इस देश को तरक्की और तरक्की का रास्ता खुलेगा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद साहब और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और पीर इस प्रोग्राम में शामिल रहे। उन्होंने दुआओं से इस हाजी अराफा शेख को नवाजा और सभी लोगों ने एक आवाज़ में लबैक किया कि पूरा हिंदुस्तान इसकी नींव रखने के लिए खड़ा रहेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर मुंबई शहर से मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट हमने चेयरमैन साहब के सामने पास रखी। ये ईंट अयोध्या के तरफ धनीपुर जाएगी और इस मस्जिद की पहली नींव हमने रखने की आज बुनियाद रखी। कुछ ही दिनों के अंदर ये जो सपना देखा है वो साकार होगा। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने जो दी, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद उनको ये पता नहीं था, जब वो लिख रहे थे तो हाथ उनके थे लेकिन लिख अल्लाह रहा था। ये आज यकीन हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भारत ने अपने दिल में बसाया है। शायद धनीपुर को भी पता नहीं था, जब आर्किटेक्ट ने जब देखा तो पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का बराबर जो डॉट जो मस्जिद बन रही है वो भारत के दिल में बन रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक अद्भुत मस्जिद जो बनाई जा रही है। बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा देश का मुसलमान और इस चीज़ से लोग नाराज़ जो लोग थे वो भी इस बाबरकत नाम का विरोध नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि ये बाबरकत नाम ऐसा नाम है कि इस नाम के बाद कोई नाम ही नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि ये नाम मोहब्बतें लाएगा, नूर लाएगा, बरकतें लाएगा, ये मैं समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी नींव हमने शुरुआत की। इस मस्जिद का नाम, इस मस्जिद की पहली फ़ोटो, इस मस्जिद की वीडियो, डिटेलिंग वीडियो, हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और वो कैंसर हॉस्पिटल ऐसा होगा कि इसके बाद
मुंबई शहर के अंदर कोई भी कैंसर के इलाज के लिए नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश में उस इमदादिया हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज में उस कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाएगा और ये हॉस्पिटल सभी जाति धर्म के लिए मुफ्त में इलाज करेगा। ये आपने वकार्ड के ओनर खुद खुराकी वाला ने हुजैफा भाई ने कहा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये एक पहली पहल। अब इसके बाद कॉलेज के लिए भी ऐसे इंसान को चुना जाएगा जो हिंदुस्तान में एक नाम रखता है, एक वजूद रखता है। हम ऐसे इंसान को वो सारी चीज़ें जाके देंगे ताकि आने वाले कल के अंदर नस्लें याद रखेंगे। ये सारा काम हमारे चेयरमैन फारूकी साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड इंडिया यूपी के हाथों किया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने की, ये हाजी अराफा शेख इसके बाद सऊदी अरब का सफ़र करेगा, अल्लाह के घर जाएंगे, नबी के घर जाएंगे, उसके बाद हज़ारों की संख्या के अंदर ये हाजी अराफा शेख अयोध्या की तरफ, मुंबई से कम 10,000 से ज़्यादा लोग अयोध्या में ये ईंट पहुंचाने के लिए वहां पे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका काम बाबरकत तरीके से अच्छे तरीके से शुरुआत किया जाएगा इंशाअल्लाह। न बिल्कुल, मैं यहां पर अपने भाषण में भी कहा कि मैं एज अ मुस्लिम यहां पे आया हूं। पार्टी तो बिल्कुल होती है सबकी अपनी अपनी, हर कोई अपने अपने पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मैं पार्टी का नेता बाद में हूँ, पहले मुसलमान हूँ और मुसलमान की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा बोलकर यहाँ आया हूँ। जो जो सरकार से ज़रूरत लगेगी हम इंशाअल्लाह ताला सरकार को रिक्वेस्ट करके विनंती करके, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको सरकार की पैसों की मदद नहीं चाहिए, पर उसके अंदर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, गार्डन है, ये सारी चीज़ें करने के लिए वो जगह छोटी कम पड़ती है, इसीलिए हम अपने पैसे से जगह खरीद कर वहाँ पे ये सारा इरादा पूरा खड़ा करेंगे। उसमें जो ज़रूरत लगेगी तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर सरकार से बात करके जो जो करना है वो बिल्कुल कराएंगे। मैं आज के आगे कहूँगा कि ये सारी चीज़ जितनी भी ज़मीनें ले जाएगी वो सिर्फ और लेने के बाद किसी की एक मिल्कियत नहीं होगी, वो वक्फ बोर्ड से इनके पास इनकी ट्रस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट भी दी है वक्फ बोर्ड के ताबे में ही वो सारी चीज़ दी जाएगी। वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर वक्त आने पे बताया जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बहुत सारे लोग, अब अलग अलग चीज़ें होगी और बहुत सारी चीज़ें होगी, उसमें क्या क्या और लाना है हर वो चीज़ का हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके हो। लोग इंशाअल्लाह ताला ताजमहल नहीं जाएंगे लेकिन ज़रूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए हिंदुस्तान जब आएंगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने ज़रूर आएंगे। नहीं, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो वो विड्रॉ करेंगे नया नक्शा। सवाल ये है कि आपने जो बनाया, डिजाइन आपने पेश की, बहुत अच्छी रही है। कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये कानूनी प्रक्रिया सबसे पहली यही होती है कि आपने जो डिजाइन बनाया है उसको अप्रूव करने में, तो ये अप्रूव करने में कितना वक्त लगेगा? क्या इसके अलावा मुझे नहीं, देखिए अभी चूंकि डिज़ाइन में चेंज हुआ है हमारे, और ये चेंज जो है कम्युनिटी की डिमांड के ऊपर हुआ है, तो डिज़ाइन में चेंज हुआ है उसे हम विदड्रॉ करके सेकेंड ड्राइंग फाइल करेंगे। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फाइल करना होता है और वो फिर अप्रूवल हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, बशर्ते कि आपके डिज़ाइन जल्दी फाइल हो जाए, उनका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी जल्दी फाइल हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई टाइम लगना चाहिए। सर, इस ट्रस्ट के अंदर और कौन कौन रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ट्रस्ट बनाई जाए, तो इस ट्रस्ट के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे? नहीं, ट्रस्ट तो बना हुआ है ऑलरेडी, ट्रस्ट बना हुआ है नहीं, उसमें अभी इस वक्त तो करीब 12 लोग हैं और हमारे दो ट्रस्टीज़ यहाँ मौजूद हैं, आप हैं और वो भी हैं डॉक्टर सऊदुज़्ज़मान साहब, दो लोग यहाँ मौजूद हैं। वो ट्रस्ट पहले से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, लेकिन ये बीच में चूँकि ये आपसे मुलाकात यहाँ के विज़िट हुई हुआ, जनरल ये पाई गई फीलिंग कम्युनिटी में कि एक ट्रेडिशनल मस्जिद का डिज़ाइन होना चाहिए, और डिज़ाइन को लेकर थोड़ा सा लोगों में बहुत उत्सुकता नहीं थी पुराने डिज़ाइन पर, तो ये डिज़ाइन हाजी साहब ने तैयार कराया, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं उनसे,
और ये प्रेजेंटेशन दिया। अब हम फर्दर आगे कार्रवाई इसमें करें। फारूकी साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का काम बहुत ही तेजी से चला, वजह क्या रही है कि मस्जिद का काम बिल्कुल उल्टा रहा इसके, और ये मस्जिद का काम बहुत ही सुंदर अभी। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर क्या वजह रही है? आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमको उनको उनका प्रोजेक्ट कंसेप्ट बहुत पहले से था, सालों पहले से, हमें तो 2020 में मालूम है कि ये भी करना है। You can't compare it with Ram Mandir. Sir, बोल रहे हैं आजी भाई, सर सर अपने भाषण में कहा जैसे मंदिर का काम हुआ अपने समय पहले से शुरू हो गया। एक एक बोलिए प्लीज। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात मैंने बताई। देखिए, सवाल ये है कि ये मस्जिद अपने आप में एक बात होगी कि हमारी इस्लाम की 5 बुनियाद है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस बुनियाद पे हम मस्जिद को खड़ा रखेंगे, इस बुनियाद पे होगी। और सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक होगी कि राजा और महाराजा कंपेराइजिंग जब करेंगे, फना और बका की बात करते हैं तो फना वो होते हैं जो राजा होते हैं। अब जैसे कि आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ पे ताजमहल में एक आपको मज़ार नज़र आएगी जिसके ऊपर आज चिड़िया कौवे लीपते हैं, उसके बाजू में एक आपको एक दरगाह नज़र आएगी सलीम चिश्तिया की जिसके ऊपर फूल चढ़ाया जाता है, वो बका है। और ये 100% ये मस्जिद बका होगी। इसका सवाल का जवाब ये होगा कि ताजमहल से खूबसूरत एक नायाब चीज़ हिंदुस्तान में आई, वो सवाल का जवाब होगा कि ताजमहल से खूबसूरत अगर कोई चीज़ होगी तो उसका सवाल का जवाब होगा वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। सर, जफरा जिलानी जो मुस्लिम मसला बोर्ड के जो एक्शन कमेटी के जो थे और बाबरी मस्जिद का पूरा केस लड़ा, उन्होंने जब 5 एकड़ जमीन मिली थी तो उस टाइम पर उनका ये कह रहा था कि उस जगह पर मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो इसको किस तरीके से आप देखिए? वो तो इस दुनिया में नहीं है और उनका वो स्टेटमेंट बसनला वोट के ऐसे, उनके स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहूँगा, उनका स्टेटमेंट क्योंकि उनके कई चीज़ें थी, वो वकील भी थे बोर्ड के, हमारे बोर्ड के वकील थे और बसनला बोर्ड के में भी पोस्ट होल्डर थे और उनकी एक अपनी अलग एक्शन कमेटी भी थी, तो वो किस हैसियत से थे उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो अब अब ये आप उनसे पूछें, मैं नहीं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। जी रानी सर, ये ट्रैप है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक धर्म अपनी एक बात रखता है, मेरा धर्म ये सिखाता है हर एक मज़हब की इज्जत करना, तो कभी भी किसी भी चीज़ से कंपेयर किसी ने भी करना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए, वहाँ पे एक ऐसा पैगाम होना चाहिए दोनों जगह हिंदू और मुसलमान जाए और एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। जगह राम मंदिर जो लेख देखने जब कोई जाए तो ज़रूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए वो वहाँ पे आए, तो इस तरीके से होगा। फिश एक्वेरियम होगा तो वहाँ पे हर धर्म का आदमी आके उस फिश एक्वेरियम को देख सकता है, हर एक चीज़ को देख सकता है। मेरा धर्म ये सिखाता है आपस में सबको गले लगाओ और गले लगा के मोहब्बतें बांटो, यही हम समझते। हम कभी भी किसी को अलग इस दिए देश में हमारे पैगंबर ने और सरकार गरीब नवाज ने ये तरबियत हमको दी नहीं। नहीं नहीं कोई रुकावट नहीं। हाजी साहब, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसका विरोध करना चाहेंगे, ऐसे ताकतों को आप कैसे रोक पाएंगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। ये बाबरकत नाम मोहब्बतें लाएगा, ये बाबरकत नाम 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों का आज वो किताब बंद होगी और ये नफरतें मोहब्बत में बदल जाएगी, मुझे ये यकीन है। क्योंकि उससे आम लोगों को कितना फायदा होगा और क्या बुकार्ड हॉस्पिटल जो है वहाँ पर तामीर होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लोगों का जो है वो इलाज करेगा? इंशाल्लाह ताला उसका पूरा ख्याल रखा गया कि हॉस्पिटल, मैंने आपको कहा
कि वकावड़ हॉस्पिटल में जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो इमदादिया फंड पे बनने जा रहा है, इमदादिया हॉस्पिटल होगा। उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर जो घुसेगा उसको 2 रुपये फॉर्म का भी भरना नहीं पड़ेगा, इस तरीके का भी ख्याल रखा जाएगा। ये हॉस्पिटल हर एक चीज़ का, दवाई का, इलाज का, और यहाँ तक के उसको टिफ़िन लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला ये एक पैगाम लेके जाने के लिए, मैसेज देने के लिए ये करेंगे कि यही है मुसलमान, इस तरीके का मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है, दुखियों में गरीबों के साथ खड़े होने का नाम ही मुसलमान, यही ईमान की पहली अमानत और यही होगी तबलीग। इसलिए ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। साहब, आप इसके फंडिंग के लिए किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए काफी ज्यादा फंड की जरूरत होगी, तो जो आपका ट्रस्ट है, आपकी संस्था है, तो इस फंडिंग के लिए आप सरकार से क्या मदद लेंगे, या सरकार से आपको कोई मदद मिली है, या आप लोग कुछ काम? हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह इसके ऊपर मदद करेगा, और इंशाल्लाह ताला दिलों को पलटने वाला अल्लाह है। जैसे कहते फस्कुरुनी अस्कुरकुम, कुरान के आया थे, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूँगा, तू मेरी नाशुक्री न कर मैं तेरी चर्चा करूँगा। इंशाल्लाह ताला उसकी चिंता आप ना करो, अल्लाह का घर अल्लाह ही बनाएगा। मेरी औकात एक ईंट देने की थी, हाजी अराफात शेख ने आज एक ईंट रखी, ऐसे हजारों हाजी अराफात, हजारों लाखों लोग जुड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का घर जो बनाने के लिए हमने बुनियाद रखी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला बहुत ज़रूरी जल्दी कामयाबी मिलेगी। सर, आपसे यूपी वक्फ बोर्ड जो है 5 एकड़ के अलावा अरफात साहब ने कहा कि और भी जमीन लगेगी, तो यूपी वक्फ बोर्ड जो है और जमीन मस्जिद को देने की तैयारी कर रही है, क्या आप लोग खरीदेंगे, क्या और लोगों की तरफ से वो मिलेगी? नहीं, हम लोग खरीदने के उसमें खरीदेंगे जमीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के लिए खाली हिंदुस्तान भर से तआवुन लिया जाएगा कि पूरी दुनिया भर के लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं? हर हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया में कहीं पे भी है वो बिल्कुल अपने मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से ताउन कर सकता है, कोई मसला नहीं। सुबह अस्सलाम वालेकुम।